हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंटरफेस इन जावा। ओके, इंटरफेसेस आर बेसिकली यूज्ड टू डेवलप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। कहने का मतलब है इंटरफेस, जैसा आपने सी प्लस प्लस में डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर जो अपने आप के अंदर कुछ इंटीजर टाइप के वेरिएबल रखता है, कुछ फ्लोट टाइप के वेरिएबल रखता है, इसी तरह इंटरफेस अपने अंदर कुछ मेथड्स रखता है जिसे सिर्फ डिक्लेयर किया जाता है, उससे उसके अंदर कोडिंग नहीं की जाती है, उसे हम इंटरफेस कहेंगे। इंटरफेस की मदद से हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हैं। जैसा आप देखते थे सी प्लस प्लस में हम एक साथ किसी किसी क्लास में दो तीन क्लास को एक साथ इनहेरिट कर सकते थे, पर जावा में अलाउड नहीं है मल्टीपल इनहेरिटेंस, इसलिए हम इंटरफेस बना के उस कॉन्सेप्ट को अचीव कर सकते हैं। एन इंटरफेस लाइक दैट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इनिशिएटेड। हम सिर्फ इसमें डिक्लेयर करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, जैसा कि हम सिर्फ डिक्लेयर करते थे मेथड का नाम, उसी तरीके हम इंटरफेस में भी सिर्फ डिक्लेयर करेंगे मेथड का नाम, उससे उसके अंदर की कोडिंग हम उस क्लास द्वारा की जाएगी जो उसे इनहेरिट करेगी। ओके, अब इंटरफेस इन जावा में हम पढ़ेंगे। इंटरफेस इज अ कीवर्ड इन जावा। इंटरफेस नाम का एक कीवर्ड होता है जावा में। ओके, व्हेन एनी क्लास इनहेरिट इंटरफेस सो यूज इंप्लीमेंट कीवर्ड। यदि कोई क्लास इनहेरिट करती है इंटरफेस को, तो उस समय हम इंप्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करेंगे। यदि कोई इंटरफेस ही इनहेरिट करता है किसी इंटरफेस को, तो उस समय हम एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करेंगे। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा सिंटेक्स कि किस तरीके से इंटरफेस को डिफाइन किया जाता है। तो इंटरफेस एक कीवर्ड है, उसके आगे हम इंटरफेस का नाम लिखेंगे, उसके अंदर हम सिर्फ डिक्लेयर करेंगे उस क्लास का नाम, क्लास को जिस जो आने वाली क्लास इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी, उसे उसे डिफाइन करना जरूरी होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक प्रोग्राम बताना चाहूंगा के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। ठीक, ओके, ठीक है। आप ये प्रोग्राम देख पा रहे हैं, इसमें एक इंटरफेस बनाया है हमने कार नाम का, जिसमें पब्लिक तरीके से एक फंक्शन बना है कलर, दूसरा फंक्शन है स्पीड और तीसरा फंक्शन है प्राइस। अच्छा, एक बात जो यहाँ इम्पोर्टेंट है ध्यान रखने वाली, यदि आप इंटरफेस बनाते हैं तो उसके अंदर जो भी आप फंक्शन बनाएंगे, मेथड बनाएंगे, उसको आपको पब्लिक ही डिफाइन करना होगा। ओके, फिर क्लास एक बनाइए स्विफ्ट नाम की, स्विफ्ट नाम की क्लास बनाई जिसमें हमने इम्प्लीमेंट्स किया क्लास इंटरफेस को, कार इंटरफेस को। ओके, उसमें हमें अब जरूरी हो गया है कि हमें कलर, स्पीड और प्राइस तीनों मेथड को की कोडिंग करना जरूरी है। यदि हम इसकी कोडिंग नहीं करेंगे तो कंपाइल टाइम एरर आएगा हमें। ओके, जैसे हमने यहाँ कोडिंग करी पब्लिक वॉइड कलर के अंदर, कलर इज रेड, और स्पीड के अंदर क्या, स्पीड इज 100 to 20। प्राइस के अंदर हमने बताया है कि 6 lakh to 12 lakh तक की उसकी प्राइस है। ओके, फिर हमने एक फाइनल क्लास बनाई है जिसमें हमने मेन फंक्शन बनाया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS की मदद से। फिर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है स्विफ्ट क्लास का, और फिर स्विफ्ट क्लास जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसकी तरीके उसकी मदद से हमने मेथड्स को कॉल किया है कलर, स्पीड एंड प्राइस मेथड को, और पूरा प्रोग्राम बन चुका है। अब हम इसे रन करके देखेंगे। ठीक है, रन करने के लिए हम लिखेंगे जावा सी। फाइल का नाम डॉट जावा। सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है हम डॉट फाइनल। ओके, अब यहाँ हम इसे रन करके देख रहे हैं जावा फाइनल नाम से। ठीक है, ये यहाँ आ चुका है, कलर इज रेड, स्पीड इज 100 to 220, प्राइस इज 6 lakh to 12 lakh। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ एक प्रोग्राम बनाया इंटरफेस का, जो कि आप समझ चुके हैं किस तरीके से इसे बनाया गया है। ओके, धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे